9 साल की जो बच्ची थी उनकी माता हमारे साथ हैं और अभी उनसे जानते हैं। माता जी, इन्होंने कब से फास्ट रखा हुआ था और आप कब से जान रही हैं इन्हें? बेटा देख, जे आती बिचारी बच्चा मेरे पीर बाबा पे, तो ये परसा चढ़ावे आती चादर माला चढ़ावे, तो इनको जब पता था कि बच्ची का इनकी एक आई थी। आज मैंने बिचारी को अंशकार थोड़ा मुँह में दे दिया, 4-5 दिन हो गए इनको, ज़्यादा ही होंगे 6 दिन हो गएंगे, 5 दिन 6 दिन। आज मैंने बिचारे मेरे बेटा को अंशकार दे पा, और मेरा बेटा, मेरा कहना ये है जो मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, जो मेरे चारों कैदरीन को फांसी नहीं होगी, जो नहीं करूँगा, जो कह रहे ना नहीं करूँगी भाई, बेटा भाई नहीं करूँगी, बेटी का मेरी का मुझे न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो, मेरी बेटी का न्याय दे दो और चारों कैदरीन को फांसी लगा दो, मेरा मेरा पैदा पैसा। सरकार ना यहाँ पे ये पूरा हटाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ से लोग जो हट जाएं, क्या आप हटने को तैयार हैं? नहीं हटेगा बेटा, केस लड़ूंगी यहीं बैठ के, यहाँ बैठ के मैं केस लड़ूंगी। कब तक बैठी रहेंगी? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मेरे बच्चे का नहीं मिलेगा जब तक नहीं हटा दूंगी ना बैठाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी, यहाँ बैठूंगी बेटा मैं, जो मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठूंगी रोड पे, और ज्यादा वो करें तो मैं घर भी नहीं जाऊंगी, मैं बेटी को यहाँ धन्नो देकर बैठूंगी। आपसे अलग अलग लोग मिलने आ रहे हैं, नेता लोग मिलने आ रहे हैं, नेता लोग ने आ रहे हैं, जो मिलन दो मैं सबकी सुनूंगी, मन की करूंगी, मेरी सबकी सुनूंगी, मन की करूंगी, मेरी बेटी का अन्याय दे दो मुझे और चारों कैदरीन को फांसी लगा दो, मैं तैयार हूँ संस्कार करने के लिए। क्या आपको हॉस्पिटल से बच्ची की बॉडी मिल गई है? मैं नहीं लूंगी भाई, नहीं लूंगी हॉस्पिटल से, मैं बच्चा की नहीं लूंगी संस्कार है और नहीं लगाऊंगी, जो तक जे सोच रहे हैं सरकार के संस्कार हम लगवा दें बच्ची का, तन केस रफे दफे कर दें, 100 केस हम रफे दफे नहीं हूं दूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, चाह कुछ भी होगा इसका, बेटी का मेरी का कछु होगा बहन, दीदी जी मैं आप ते इतना प्रार्थना मांगती हूँ, मत जोड़ी इतना प्रार्थना मांगती हूँ, आपकी बेटी जैसी, तब मेरी बेटी के मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ, जो जो दामुख नायक देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप 9 साल की उस बच्ची की माता का ये बात सुनेंगी और आपके रोंगटे खड़े होंगे और इंसाफ की राह में आप लोग हाथ जरूर देंगे, आप लोग कोशिश करेंगे उस बच्ची को इंसाफ मिले। एक आखिरी सवाल आपसे माता जी, एक आखिरी सवाल, 8 तारीख को ये पूरा रास्ता बंद करने के लिए कह रहे हैं, दिल्ली बंद करने के लिए, भारत बंद करने के लिए कह रहे होगी, 8 तारीख को दिल्ली बंद होगी, पूरी दिल्ली बंद होगी, आप इसमें साथ हैं? हम साथ हैं इसमें, दिल्ली बिल्कुल रोड बंद होगा, दिल्ली का बिल्कुल दिल्ली बंद होगी 8 तारीख को, जब रोड दिल्ली बंद होगी, जब मेरी बेटी को संस्कार मिलेगा मुझे, जब मेरी बेटी का चारों खेदरीन को फांसी नहीं लग जाएगी, जो तक मैं नहीं बैठूंगी अपने घर। एक आखिरी सवाल, जिस शमशान घाट में बच्ची के साथ गलत हुआ, क्या उसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराया जाएगा बच्ची का? उसी में करूंगी, जब मेरे को मेरी बेटी का संस्कार मुझे मिल जाएगा तब मैं बेटी का करूंगी, मैं जो अन्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगी, मैं रोड पे जाके भीख मांग लूंगी, बिल्कुल भीख मांगूंगी रोड पे ही बैठ के। सरकार से और क्या क्या आप मांग करना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं मांग रही, मुझे कुछ ना चाहिए, ना पैसा का लोभ, ना मुझे किसी के धन का लोभ, ना मो किसी का बच्चा का लोभ, मुझे नहीं, मैं हूँ अपने हाथ पाँव से कमावे वाली धमावे वाली और खाने वाली हूँ, पर एक मुझे मेरी बेटी को न्याय दे दो, मेरी बच्चा को न्याय दे दो और चारों के दिन को फांसी दे दो। ये थी हमारे साथ मेहनत कश समाज की महिला, जिनका कहना है कि मैं मेहनत कर लूंगी, हाथ पैर चला लूंगी, भीख मांग लूंगी या जो भी कर लूंगी, लेकिन किसी से एक पैसा नहीं लूंगी, मेरी बेटी को इंसाफ दो, और इंसाफ में आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ तब होगा तभी इसमें इंसाफ मिलेगा। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे दामुख नायक।